हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुशपाश होंगे। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही क्विक, इजी और झटपट बनने वाली है। तो चले जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। आप लोग ऑयल ले या बटर ले, आप लोगों की मर्ज़ी, मैंने ऑयल ली है। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को भी ज़्यादा हम लोग फ्राई नहीं करेंगे, बस सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पर हमारा प्याज रेडी है, बस सिर्फ सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा, बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, बस सिर्फ थोड़ा सोते करना है। इस टाइम पर हम टमाटर ऐड करेंगे और टमाटरों को भी थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना। जी तो जनाब, इस टाइम पर टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो मैंने ली है, 1/2 टीस्पून नमक ली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पिसा हुआ और धनिया, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 इसमें हम लोग ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। मसालों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम लोग स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी इसके ऊपर ही हम लोग डालेंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और हम एग के लिए थोड़ा सा जगह बनाएंगे और इसमें एग डालेंगे। इस टाइम पर हम एक एक करके अंडे शामिल करेंगे। मैंने 5 अदद अंडे ली है, वो हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब मैं ऊपर से थोड़ा नमक इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। और हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इस टाइम पर आप लोगों की मर्ज़ी, आप जितना एग को फ्राई करें आप लोगों की मर्ज़ी। हम लोग थोड़ा ज़्यादा फ्राई खाते हैं, इसलिए मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रखा था। टाइम पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम सर्व करेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपने दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिए। खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।